हेलो गाइस, दिस इज योर एजुकेटर सिमरजीत सिंह छाबड़ा एंड योर वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम क्लास 9 का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसको पढ़ेंगे। ये आपकी पूरी सोशल का सबसे छोटा चैप्टर है, मतलब इसमें समझने के लिए से दो टर्म्स है, इंडिया का साइज एंड इंडिया की लोकेशन। अपार्ट ऑफ दैट इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने के लिए नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, दो चार फैक्ट्स है, देन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो आपके फ्रेंड्स का शेयर कीजिएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि फर्दर ऐसे जो लेसन है वो आपको मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने लेसन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कहा कि चैप्टर बहुत लंबा नहीं है, इसमें से दो टर्म्स की बात हो रही है, इंडिया के साइज की, इंडिया की लोकेशन की। पहले हम बात करते हैं इंडिया के साइज की। तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इंडिया की साइज एंड इंडिया की लोकेशन, इसके अलावा उस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अगर हम इंडिया के साइज की बात करते हैं तो जो इंडिया है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। हम सबको पता है कि रशिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। ऑल्दो 1991 के अंदर उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, पहले वो USSR था, तो उसके अंदर 14 और कंट्रीज भी थी, मगर अब वो 14 कंट्रीज अलग होने के बाद भी रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। रशिया के बाद में आता है कनाडा जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। थर्ड नंबर पे USA है, बट कई अगर जब सर्च करोगे तो USA चाइना के अंदर डिस्प्यूट्स है, मगर हम फिर भी USA को थर्ड मानते हैं। देन आपका चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे हम आ जाते हैं। और जो दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है वो इंडिया है। और अगर हमारा जो एग्जैक्ट जो एरिया है वो देखा जाए तो वो है 34,87,263 किलोमीटर। ये इंडिया का एग्जैक्ट जो एरिया है वो इतना एरिया है, जो कि पूरी अर्थ का 2.4% है, मतलब इतना एरिया हमारे पास में। तो इंडिया की साइज की बात हुई, ये तो हमने बात कर ली इंडिया की साइज की। अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं तो इंडिया जो है वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। अगर जैसे मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 2023 आ चुका है, और ये स्पेकुलेटेड है कि इस साल जो हमारी कंट्री है वो चाइना को सरपास कर देगी और सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी। मतलब अभी तक जब हम कहते हैं कि दुनिया की जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो चाइना है, ये नंबर्स बदल चुके हैं क्योंकि हमारी कंट्री ने चाइना को सरपास कर दिया है। और 2023 के बाद 2023 में ही दुनिया की जो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो इंडिया बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, जैसे आपकी बुक जो है वो पहले पिछले सालों में प्रिंटेड है, जिसमें यही लिखा है कि जो दुनिया की जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वो चाइना है। रीसेंट जो डेटा है वो चेंज हो चुके हैं, मतलब एज पर बुक फर्स्ट नंबर पर चाइना आ रहा है, सेकेंड नंबर पर हमारे, ठीक है। और अगर हम परसेंटेज वाइज की बात करें वैसे तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कुछ 141 करोड़ के आसपास है, ठीक है, जो कि दुनिया का 17.5% है। ये काफ़ी वियर चीज़ है बाकी कि अगर हम सिर्फ चाइना और इंडिया को मिला लें तो कुछ 35% पॉपुलेशन है। अब आप सोचिएगा 195 कंट्रीज है जिसमें से ये दो कंट्री जो कि एशिया के अंदर है, इनके अंदर 35% पॉपुलेशन रह रही है, और बाकी जो कंट्रीज़ है अप्रॉक्सीमेटली 193 कंट्रीज़ है जिसके अंदर रशिया, USA से बड़ी बड़ी कंट्रीज आ रही है, उसके अंदर रिमेनिंग 65% पॉपुलेशन रह रही है। तो काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन इन दो कंट्रीज़ के अंदर रह जाती है, ठीक है, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, ठीक है। ये तो इंडिया की लोकेशन की बात, इंडिया की साइज़ की बात हुई कि इंडिया का साइज़ क्या है। हम बात करते हैं इंडिया की लोकेशन की। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप हो कहाँ पे, जो हमारी कंट्रीज है वो है कहाँ पे, मतलब दुनिया के रेफरेंस में हम कहाँ पे आ रहे हैं। तो देखा जाए तो ये हुआ आपका, ये हो गई आपकी अर्थ, ठीक है। बेसिक आप लोगों को पता होंगे, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा कि इक्वेटर क्या है, सके तो ये हुई आपकी इक्वेटर, ये है आपकी इक्वेटर, ठीक है, जो कि एक लैटिट्यूड है,
अगर आपको लैटिट्यूड नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं, ठीक है, ये आपकी लैटिट्यूड की रहती है। बेसिकली आपको इसमें जो सेवन बेसिक लैटिट्यूड्स हैं, जो सेवन बेसिक हॉरिजेंटल लाइंस हैं आपको समझनी है, जो ये मिड में है इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। और इसके अलावा एक और लाइन है, हम इसके बाद बात करेंगे कि ना मतलब हम कहाँ पे आ रहे हैं हमारे रेफरेंस के, बटी पहले सात लाइन्स जो है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देन आ रहा है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। इसका जो वैसे मेजर है वो है 23.5 नॉर्थ, और ऐसी एक लाइन साउथ में भी है जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, उसके ऊपर आर्टिक सर्कल है, मैं एक्चुअली स्पेस की कमी है, तो ये आर्टिक सर्कल है, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल। इसे बेसिक आपके लिए है कि आपको अगर नहीं पता है तो पता पड़ जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये आपके चैप्टर में आएंगे। आज चैप्टर में नहीं आएंगे तो शायद आपके थर्ड फोर्थ चैप्टर में ये चीज़ रिपीट होगी, फोर्थ चैप्टर में चीज़ रिपीट होगी, और जिसमें क्लाइमेट में आपको इन लाइंस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अभी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है तो अच्छी बात है, ऊपर आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे आपका साउथ पोल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेटर है वो पूरी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया आपका सदर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया पड़ता है इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस जगह पे, ठीक है, हमारा जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है। और ऑलमोस्ट जितनी कंट्रीज है ना वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, मतलब जितने कॉन्टिनेंट देखा जाए तो यूरोप हो गया, आपका एशिया हो गया, अफ्रीका जो है वो दोनों पार्ट्स में आ रहा है, नॉर्दर्न अमेरिका हो गया, बाकी साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का हाफ पार्ट वो नीचे आता है, मतलब साउथ अमेरिका में आता है। बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें हमारा जो मेन फोकस है हमारी कंट्री से है कि हम कहाँ पे पढ़ते हैं दुनिया में, हमारी लोकेशन क्या है। तो हमारी जो कंट्री है वो इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में है, और इससे पास होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे आ जाएगा, मैं आपके थ्रू में आपको और प्रॉपर्ली समझा पाऊंगा जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बेसिकली देखा जाए तो ये एट कंट्रीज से गुजरती है, सॉरी एट स्टेट से गुजरती है। वो एट स्टेट है, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन एट स्टेट से वो निकलती है, मतलब एट स्टेट से जो टॉपिक ऑफ कैंसर है पास होती है। तो ये तो बात हो गई कि हम इक्वेटर के रेफरेंस में कहाँ पे आ रहे थे, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। एक आपकी प्राइम मेरिडियंस, ऐसे ये तो आपकी लैटिट्यूड्स होती है, ऐसी लॉन्गिट्यूड्स होती है। लैटिट्यूड्स जो है ना क्लाइमेट के रेफरेंस में काम आती है कि आप जिस लैटिट्यूड पे हो तो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे सन की अलग अलग रेज आती है और वहाँ पे क्लाइमेट अलग अलग तरह का रहता है। और एक होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल लाइन्स है जो नॉर्थ टू साउथ मूव करती है कुछ इस वे में, ठीक है। लैटिट्यूड्स क्लाइमेट के रेफरेंस में, जैसे आप इक्वेटर पे हो तो सब किसी डायरेक्ट रेज आप पे आएगी, अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न पे हो तो थोड़ी स्लैंट आएगी, तो मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा लो रहेगा। आप आर्टिक पे हो, पोल्स पे हो तो और स्लैंट आएगी, टेम्परेचर और थोड़ा कम रहेगा। ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये टाइम मेजरमेंट के लिए काम आती है, ठीक है, मतलब हर एक लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम है वो अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर दो कंट्रीज सेम लॉन्गिट्यूड पे आ गई है तो उन पे सेम टाइम रहेगा। दो लॉन्गिट्यूड्स को सन को क्रॉस करने में अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स लगते हैं। ये काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि या तो आप चीज़ों को रटोगे या तो आप समझोगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड पे सन को मूव करना तो इट विल टेक 4 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये इंडिया की तो ऐसी एक लॉन्गिट्यूड है जो मेन लॉन्गिट्यूड है, उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन और जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये लंदन में बिग बैन नाम की एक जगह है, ठीक है, ग्रीनविच और बिग बैन ऐसे कुछ है, वहाँ से क्रॉस होती है।
ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का जो टाइम है वो इसी से कंट्रोल होता है। इस टाइम को हम बोलते हैं, मतलब इस मेन टाइम को हम बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम। तो प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस पे हम जो है वो ईस्ट में आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? ईस्ट में। ये इसका वेस्टर्न पार्ट हो गया, हम लोग इसके ईस्ट में आ रहे हैं। तो इक्वेटर की अगर आप रेफरेंस में देखें तो हम इक्वेटर के इक्वेटर से नॉर्थ में और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में। तो कुछ अगर मैं देखूँ तो रफली हमारी जो लोकेशन है या हमारी जो पोजिशन है वो नॉर्थ ईस्ट पट रही है। तो ये तो हमारी लोकेशन हो गई वर्ल्ड के रेफरेंस में। ठीक है, देन अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है, वही बात सच है। अगर आप इंडिया का टेक्स्ट देखो, जो इंडिया का सेक्रेट टेक्स्ट है या लिटरेचर है, जैसे जो एपिक्स है हमारे, जैसे रामायण महाभारत, तो आपको पता पड़ेगा कि इंडियन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। ठीक है, और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन होने के साथ साथ ये वो सिविलाइजेशन है जो आज तक एग्जिस्ट कर रही है। इसकी जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वो सारी खत्म हो चुकी है, वो निपट चुकी है सारी। चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, ये सारी सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है। हमारी सिविलाइजेशन जो आज दिन तक एग्जिस्ट कर रही है, सर्वाइव कर रही है, और उस चीज़ को आपको प्राउड होना चाहिए, जो सनातन धर्म में बहुत पुराना है। ठीक है, तो इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। बस सच है कि इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। ठीक है, और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन ही है। ठीक है, बाकी सिविलाइजेशन हमारे भारत की किसी के एविडेंस इतने पुराने नहीं जितने हमारे। ठीक है, पिछले 50 सालों के अंदर हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है पॉलिटिकली। हम लोग पहले ब्रिटिश कॉलोनी थे, हमने इंडिपेंडेंस गेन करी। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन के उभरे। ठीक है, और वो सक्सेसफुल है। ठीक है, उसमें कोई दो राय है नहीं। जोग्राफिकली हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है, हमने डैम्स बनाए हैं, कैनाल्स बनाई हैं। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन सॉरी हमने अपने आप को इंटीग्रेट किया है। ठीक है, सोशली हमने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। आप देखो कि कुछ सालों में जो हमारे सोशल इशूज़ थे वो हमने सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेलिब्रेट कर दिए। इकोनॉमिकली हमने दो राय नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करा है। अगर दुनिया की ऐसी जो कंट्रीज जिन्होंने इन कुछ डिकेड्स के अंदर अच्छा प्रोग्रेस किया है, बहुत अच्छा इकोनॉमिकली ग्रोथ की है, तो उसमें इंडिया उसमें से है। आज भी क्या होता है कि जब कोई इंटरनेशनल ब्रांड अपना प्रोडक्ट यूज़ करता है ना, तो उसकी नज़र इंडिया पर रहती है। ये उसको पता है कि इंडिया से उसको बहुत अच्छा मार्केट मिल सकता है। ठीक है, एज पर जीडीपी हम लोग 6 नंबर पे स्टैंड करते हैं। इसमें दो तरह की होती है, आई थिंक पीपीपी के हिसाब से हम लोग 2 नंबर पे है, जबकि नॉमिनल के हिसाब से हम 6 नंबर पे। ठीक है, फिर इंडिया की लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि हम कम्प्लीटली नॉर्थ हेमिस्फीयर में आते हैं, इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट में है। हमारे यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, जो कि 8 स्टेट्स में इसके पास होती है। आप इसे रिमाइंड कर देता हूँ मैं, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर से आ जाएगा आपका मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स है, ये आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। अगले जो मैप है उसमें आपको बता देता हूँ। टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि दो इंडिया को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना सा हुआ, अगर ये हमारा लवली इंडिया है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है, तो ऊपर वाला जो क्लाइमेट होगा वो सब ट्रॉपिकल होगा। मतलब वो वहाँ पे जो टेम्परेचर वो इतना हाई नहीं होगा। ठीक है, जबकि जो नीचे का क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका सब ट्रॉपिकल होगा। ये आपका ट्रॉपिकल, दोनों का क्लाइमेट अलग होगा, दोनों की वेजिटेशन अलग होगी, दोनों की फ्लोरा अलग होगी, दोनों की फॉना अलग होगी। मतलब एनिमल किंगडम, दो प्लांट किंगडम, दोनों के अलग अलग होंगे। ठीक है, जो जो आपका सदर्न पार्ट है, ट्रॉपिकल वाला पार्ट, वहाँ आपको एक डेंस वेजिटेशन देखने को मिलेगी, जबकि ऊपर इतनी डेंस वेजिटेशन नहीं होगी। ठीक है, ये जब आप अपना फिफ्थ चैप्टर करोगे तो जो आपका नेचुरल वेजिटेशन, तो आपको तब समझ में आ जाएगा कि इसका क्या क्या सेंस है। ठीक है, तो जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिड में से निकलती है, जो इंडिया का दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, स्टेट्स में होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब यहाँ से जो 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स है, यहाँ से इंडिया की बाउंड्री स्टार्ट होती है। यहाँ से इंडिया की बाउंड्री स्टार्ट होती है, यहाँ पे पॉइंट है जिससे बोलते हैं इंदिरा कॉल। ठीक है, और यहाँ से लेके और जो ये हमारा हो गया जो लॉन्गिट्यूडनल
कार्डिनल सॉरी लैटिट्यूडल एक्सटेंट है, ठीक है, यहाँ से नॉर्थ में है 37 degree and 6 minutes नॉर्थ से ये एक्सटेंड होता है 8 degree 4 minutes साउथ तक। अगर हम इंडिया की जो वर्टिकल लेंथ देखें, मतलब इस पॉइंट से जहाँ से इंडिया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इंडिया फॉल से, और मेन लैंड की हम बात कर रहे हैं, और अगर हम कन्याकुमारी तक आते हैं तो ये कुछ 3,214 किलोमीटर की लेंथ है, ये हमारे इंडिया की लेंथ है। अगर वैसे ही हम जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो वो है 68 degree and 7 minutes यहाँ से स्टार्ट होते हुए, और ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं, ठीक है, और सिर्फ एक्सटेंड होता है यहाँ तक, मतलब अरुणाचल से आपका देखा जाता है गुजरात से लेके अरुणाचल तक की लेंथ की बात हो रही है, ऊपर कश्मीर से आपकी कन्याकुमारी या तमिलनाडु तक की लेंथ की बात हो रही है। तो ये स्टार्ट होती है 87 degree and 7 minutes से 97 degree and 25 minutes ईस्ट, दोनों ईस्ट है, ठीक है, और ये जो लेंथ ये इसकी जो आपकी टोटल विड्थ है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इंडिया के साइज़ की। वैसे मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बता चुका हूँ कि इंडिया का साइज़ क्या है, तो इंडिया का जो एक्चुअल साइज़ है इसमें लिखा है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि विच इज़ एग्जैक्टली 32,87,263 किलोमीटर, जो कि दुनिया का 2.42% है, ठीक है, मतलब दुनिया का इतना परसेंट हमारे पास में, बट पॉपुलेशन वाइज बहुत ज़्यादा 17.5% है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 17.5% पॉपुलेशन हमारे पास में है, ये कुछ 141 करोड़ की जो पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट इंडिया में रह रही है, ठीक है, और ये दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड जो सॉरी इंडिया की लार्जेस्ट कंट्रीज है, इसमें हमारा 7th नंबर है, फर्स्ट पे आपका रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे हम हैं, ठीक है, जो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, और एरिया वाइज हमारे पास में 2.42% है, और दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका 17.5% हमारे पास में है। बहुत छोटा चैप्टर मैंने आपको बताया था ना, वो वही है कि इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, इसके बारे में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूंगा, कल भी काम आ जाते आगे, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री जो है वो 7 कंट्रीज़ के साथ में शेयर करता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7 कंट्रीज़ के साथ में अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, इन 7 कंट्रीज़ के साथ में अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। इसका एक ट्रिक है, ठीक है, जो कि आपको ये समझाएगा कि सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ में है, सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ में है। वो ट्रिक है बचपन में एमबीए किया, इसमें बचपन में इसके अंदर स्किया का कोई रोल नहीं है, एमबीए का कोई रोल नहीं है, बीए स्टैंड फॉर बांग्लादेश, सी एस स्टैंड फॉर चाइना, पी एस स्टैंड फॉर पाकिस्तान, एन स्टैंड फॉर नेपाल, एम स्टैंड फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, एंड सबसे कम बाउंड्री बनती है हमारी अफगानिस्तान के साथ में, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम बनाते हैं वो बांग्लादेश के साथ बनाते हैं, सबसे छोटी बाउंड्री जो हम बना रहे हैं वो बनाते हैं अफगानिस्तान के साथ में। बचपन में एम बी ए किया, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है, इस 7 कंट्रीज के साथ में अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। हमारे दो जो नेबर है वो हमारे साउथ में इंडियन ओशन के अंदर भी है, एक है श्रीलंका, ठीक है, इंडिया का मैप कभी श्रीलंका के बिना बनता ही नहीं, आपको श्रीलंका नीचे साउथ में दिख जाएगा, और जहाँ हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है उसके थोड़ा सा नीचे एक आइलैंड कंट्री है जिसका नाम है मालदीव्स, वो भी हमारा एक नेबर है, मरीन नेबर है, ठीक है, ये बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वह 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, इसमें अंडमान निकोबार वाली या जो लक्षद्वीप की बाउंड्रीज है वो इंक्लूड है, ठीक है, मतलब उनकी जो कोस्ट बाउंड्री है वो भी इंक्लूड है, और दुनिया की सबसे लंबी जो ये कोस्टल बाउंड्री है, ठीक है, कोस्टल लाइन है वो कनाडा के पास में है,
हमारे यहाँ पे जिस स्टेट के पास में सबसे लंबी कोस्टल लाइन है वो है गुजरात, और सबसे छोटी इसके पास है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है, पॉलिटिकली हम जो है वो 28 स्टेट्स के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड है। मैं आपको स्टेट अगली स्लाइड में बताऊंगा कि कौन कौन सी स्टेट है, मगर यूनियन टेरिटरी में आपको बता रहा हूँ, आपको स्टेट्स की लोकेशन जरूर आनी चाहिए, मतलब 9th के लिए नहीं 10th के लिए भी, बिकॉज आपको अगर मैं कोई सिटी पूछता हूँ या कोई पर्टिकुलर प्लेस मार्क कर रहा था, एटलीस्ट आप पता होना चाहिए स्टेट की लोकेशन क्या है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर स्टेट को ढंग से देखेंगे कि कौन सी स्टेट की लोकेशन कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरी है, कौन कौन सी, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहली है आपकी लद्दाख और कश्मीर, ये कंबाइन एक कहलाती है। हल्का से नीचे आओगे आपको मिलेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल भी है, हरियाणा की कैपिटल भी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, तो दूसरी हो गई चंडीगढ़, पहली हो गई आपकी लद्दाख एंड कश्मीर, दूसरी हो गई चंडीगढ़, उसके नीचे आता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में पड़ते हैं दादर, नगर, दमन और दीव, ये चारों मिलकर एक इंडिया। अब हम बात करेंगे इंडिया के पॉलिटिकल डिवीजन की। तो इंडिया जो है वो ट्वेंटी एट स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड है। स्टेट वो एक तरह से इंडिपेंडेंट एंटिटी है जिसपे सेंटर का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, जबकि यूनियन टेरिटरी वो लैंड होता है जिसपे आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सीधा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ऐसी इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। स्टेट्स की जो बात है हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे कि कौन सी स्टेट कहाँ पे है, और हर एक स्टेट की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए क्योंकि फर्दर आपके बोर्ड्स है 10th क्लास के अंदर, और उस पर अगर आपको पर्टिकुलर प्लेस मार्क करना अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट कहाँ पे आ रही है, तभी आप उसको उस जगह को प्रॉपरली मार्क कर पाएंगे। तो इंडिया जो है वो 28 स्टेट्स के अंदर और 8 यूनियन टेरिटरी के अंदर डिवाइड है। स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि जिसका कंट्रोल ऑलमोस्ट उसके खुद के हाथ में होता है, जबकि यूनियन टेरिटरी जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, ऐसी 8 यूनियन टेरिटरी है, एक हो गई आपकी लद्दाख। ठीक है, अगर नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, लद्दाख, कश्मीर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी भी है, पंजाब की कैपिटल भी है, हरियाणा की कैपिटल भी है। ठीक है, थर्ड हो गई हमारी चंडीगढ़, फोर्थ हो गई हमारी दिल्ली, फिफ्थ हो गई हमारी दादर, नागर, दमन, दीव, इन चारों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनती है। देन है हमारी लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, और सबसे साउथ में पड़ता है हमारा अंडमान निकोबार। तो इस तरह से हमारी जो है 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया के नेबर्स हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, इंडिया कौन कौन से नेबर है, तो अगर हम देखा जाए तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर है आपका पाकिस्तान और उसी के पास में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से जो बाउंड्री जो टच कर रही है वो एक्चुअली POK के अंदर आती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके अंदर आती है, बट वो है तो हमारा ही पार्ट। तो जो इंडिया के नेबर्स है उसमें के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नॉर्थ के अंदर है चाइना, नॉर्थ के अंदर ये आपका नेपाल, भूटान, ईस्ट के अंदर आ जाते हैं आपके म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 7 नेबर्स हैं। अब इंडिया के टाइम टैग की बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम समझते हैं कि क्या है। तो अरुणाचल से लेके गुजरात के अंदर भले टाइम लगे, मतलब 2 घंटे का टाइम लगे, मतलब अगर सनराइज वहाँ पे 4 बजे हो रहा है अरुणाचल में तो गुजरात में 2 घंटे बाद होगा। ठीक है, उसका कारण क्या है? तो जो इंडिया है इसके वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो कि गुजरात में और अरुणाचल के अंदर है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस है। ठीक है, और मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट्स लगते हैं, तो 30 को क्रॉस करने में लेंगे आपके 120 मिनट्स और 2 आवर। तो इस तरीके से जो अरुणाचल और गुजरात है उसमें 2 घंटे का टाइम लगे, मतलब टाइम डिफरेंस है, कहने को उनमें एक ही टाइम चलता है, मगर जो अगर हम सन की कंडीशन की बात करें या सन की लोकेशन की बात करें तो उसमें 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इस डिफरेंस को निकालने के लिए, क्योंकि ना कई ऐसी कंट्रीज जैसे रशिया है, उन्होंने 3 टाइम जोन ऑप्ट किया, बट हमारे यहाँ पे 1 ही टाइम जोन हमने ऑप्ट कर रखा है। हमने वो लाइन ली है जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट सेंटर से निकलती है, ठीक है, वो है 82.5 या 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट या 82.5 डिग्री ईस्ट की जो लाइन है जो मिर्ज़ापुर से क्रॉस होती है अलाहाबाद से, उसको हमने हमारा स्टैंडर्ड टाइम की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो माना है, उसे हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट इंडिया के सेंटर में आ रही है, तो उससे दोनों टाइम जो है वो बैलेंस हो रहे हैं, जो दोनों का टाइम लैग है वो बैलेंस हो रहा है। अब हम बात करेंगे इंडिया की स्टेट्स की। मैंने आपको बताया कि इंडिया की स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए कि बिकॉज मैंने आपको बताया फर्दर कभी भी अगर आपसे कोई कोई प्लेस मार्क करने के लिए कहता है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में, तो आपको स्टेट की लोकेशन पता होनी चाहिए। तो हम एक बार स्टेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ है आपकी लद्दाख और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये पहले एक स्टेट थी बट अभी ये एक यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद में आपका पड़ता है हिमाचल, यह है आपका पंजाब, यह आपका हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे आपका दिल्ली है जो एक यूनियन टेरिटरी है और जो न्यू दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है। देन है आपका उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पे आपके दादर नगर और दमन दीव है, ये महाराष्ट्र, छोटी सबसे छोटी स्टेट है हमारी गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये हमारा न्यूली फॉर्म स्टेट है जो 2014 के अंदर बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। सबसे जो पहला स्टेट बना था लैंग्वेज बेसिस वो भी आंध्र प्रदेश था, और सबसे जो न्यूली फॉर्म स्टेट है वो भी उसी आंध्र से अलग करके तेलंगाना बनाया गया। पहले आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु एक ही थे, इनको कहते हैं मद्रास बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। यह आपका छत्तीसगढ़ है, यह आपका छत्तीसगढ़, यह आपका उड़ीसा, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यह आपका सिक्किम है, यह आपकी सेवन सिस्टर्स है जिसमें ऊपर है आपका अरुणाचल, देन है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होता है, त्रिपुरा एक्चुअली तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, दैट्स व्हाई वी कॉल त्रिपुरा, ऐसा नाम नहीं है मगर तीनों साइड से वो जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देन आपका एम ए अल्फाबेटिकली पहले आएगा इसलिए मणिपुर ऊपर है और मिजोरम नीचे है। तो ये आपकी स्टेट्स हुई और इंडिया एंड द वर्ल्ड। इन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया की जो लोकेशन है, हम पहले बात कर चुके हैं वो एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर आ रही है, ना तो हम ईस्ट में हैं ना तो हम वेस्ट में, हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, सेंटर में भी साउथ में, ठीक है, हम ना तो ईस्ट साइड में हैं। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो उस साइड जो आपके जो ऑयल ओपेक कंट्रीज है वो आ जाती है, अगर हम बात करते हैं ईस्ट की तो लाओस, कंबोडिया, चाइना, ये सब आ जाते हैं। हमारी जो लोकेशन है वो सेंटर में आ रही है, ठीक है, वो भी साउथ के अंदर, तो हम जो है वो जो सेंटर में है देन साउथ में लोकेटेड है। और इंडिया की काफ़ी लंबी कोस्टल लाइन है जो कि उसको एक एक्सेस प्रोवाइड करती है या कनेक्ट करती है दूसरी कंट्रीज से। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो इस साइड जो कंट्रीज है लाइक अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज, उससे हमको कनेक्ट करती है ये इस साइड की जो हमारी कोस्ट लाइन है वो हमको जापान से और जो बाकी जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया उनसे कनेक्ट करती है, सदर्न पार्ट से भी हम ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है वो हमें एक्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे हम बाकी कंट्रीज से अपना ट्रेड वेट कंटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड वाय द लैंड रूट आर द मच मोर दैन द मरीन कॉन्टैक्ट। तो मेरी बात समझना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखो तो इंडिया का बाकी जो दुनिया से जो कनेक्शन था वो लैंड रूट के लिए से था, मतलब आप देखो हिस्ट्री में तो लैंड रूट से काफ़ी ऐसे जो चाइनीज पिलग्रिम्स थे जो यहाँ पे आते रहे, जैसे महान एग्जाम जो हुए वो लैंड रूट के थ्रू आते थे, जो हिमालय के अंदर पासेज है उनको क्रॉस करके आते थे। पासेज मतलब होता है माउंटेन्स के बीच का जो एक गैप होता है जिसको क्रॉस करके आप उस माउंटेन को क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो उन पासेज के थ्रू जैसे शिपकिला, नाथुला, ठीक है, बोमडिला, इन पासेज के थ्रू जो इंडिया है उससे आप कनेक्ट थे। बाकी जो पंजाब का पार्ट है वो भी प्लेन एरिया है जिससे जो भी इन्वेडर्स आते थे इंडिया में वहीं से आते थे। तो इंडिया लैंड रूट से तो बाकी कंट्री से कनेक्ट था बट मरीन रूट जो था रिस्ट्रिक्टेड था, काफ़ी टाइम से मरीन रूट के थ्रू कोई इंडिया में आ नहीं पा रहा था, ठीक है, पहला पर्सन था।
जो 1498 में इंडिया में आया था मई के मंथ में, वो था वास्को डी गामा, ठीक है। वो पोर्चुगीज का था, एक पोर्चुगल एक्सप्लोरर था जो कि मरीन रूट के थ्रू इंडिया आया था, ठीक है। 1498, उससे पहले कोई भी मरीन रूट से इंडिया नहीं आया था। तो इंडिया का जो कनेक्शन था वो बाकी कंट्रीज के साथ में वो लैंड रूट के लिए था। मरीन रूट या सी रूट था वो काफ़ी टाइम में रिस्ट्रिक्टेड था। वास्को डी गामा ने 1498 के अंदर इस लैंड रूट पर डिस्कवर किया था। इंडिया ने इस लैंड रूट से या दुनिया से को बहुत कुछ दिया है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही हम आपको बताया कि हमें विश्व गुरु कहा जाता था, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो गए, तो हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जैसे उपनिषद का जो की नॉलेज है, रामायण है, ठीक है, अगर आपको बता दो, जीरो हमने दिया है, ठीक है, कई हमारा जो डेसिमल सिस्टम है, ठीक है, पंचतंत्र की स्टोरीज है, और भी बहुत ऐसी नॉलेज है जो हमारे थ्रू, अगर आप दुनिया की काफ़ी लैंग्वेज की अगर आप ये देखिए कि जो टर्मोलॉजीज है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं संस्कृत से डिराइव हुई है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत से ही लिए गए हैं। तो इंडिया ने हाँ दुनिया को बहुत कुछ दिया, बदले में दुनिया ने भी इंडिया को बहुत कुछ दिया है। इंडिया का जो कपड़ा है, जो वहाँ का फैब्रिक है, ठीक है, वो बहुत फेमस था, ठीक है, और यूरोप में उसकी अच्छी खासी डिमांड थी। इंडिया के जो स्पाइसेस थे वो भी, उनकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड थी, शायद उसी चीज़ ने जो यूरोपियंस थे उसको इंडिया की तरफ अट्रैक्ट किया था। ठीक है, इंडिया ने बहुत कुछ जो चीज़ नॉलेज है, वो बहुत सारा जो स्टफ है वो दुनिया को दिया है, और वैसे दुनिया से भी इंडिया ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है। जैसे कि जो मीनार का कॉन्सेप्ट है या जो डोम का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे यहाँ पहले नहीं था। आप हमारे एंशियंट टेम्पल्स देखोगे तो आपको ऐसे डोम वोम नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, शिखर आपको दिखाई देगा। जो आप साउथ में जाते हो उस तरह के अलग तरह के टेम्पल्स आपको दिखाई देंगे, जबकि जब अरबिक इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे डोम और मीनार्स का कल्चर यहाँ पे आया, बहुत सारी चीज़ें हमने बाहर से भी गेन करी है। सो दैट्स इट, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।